हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूँ कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्माकोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर, यानी कि चैप्टर नंबर 9 और उसका लेक्चर नंबर 1। ठीक है ना, डायूरेटिक्स। अगर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में और डायूरेटिक वाला चैप्टर या लेक्चर तुम लोगों ने मेरा देखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से डायूरेटिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है ना, क्योंकि उसकी पूरी मैकेनिज्म दिमाग में होनी चाहिए, जिससे कि हम इसका क्लासिफिकेशन को दिमाग में रख सकें। मैकेनिज्म से क्या मतलब है? ठीक है, क्योंकि यहां पे कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जो कि तुमको क्या है सोचने मजबूर करेंगे। इसीलिए मैंने वहां पर जब उस टाइम भी करवाया था तो पूरा उसका फंक्शन समझाया था, यूरिन कैसे बनती है, क्या होता है, प्लस उसकी मैकेनिज्म अपने ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में भी है। तो दो जगह पढ़ा होगा उसको। ठीक है ना, जैसे हाई सीलिंग, मीडियम एफिशिएंसी, इनहिबिटर्स ऑफ सोडियम पोटेशियम, सोडियम क्लोरीन सिम्पोर्ट्स, है ना, सोडियम पोटेशियम 2-क्लोरीन को ट्रांसपोर्ट, ये चीजें कहाँ कहाँ पर होती हैं उस पूरे लूप में। ठीक है, या तो दिमाग में हो, अन्यथा बस रट डालो इसे। ठीक है, या तो दिमाग में सेट हो, जिनको ये रहता है कि नहीं भाई हमें जानना है, तो वो लोग अभी भी वापस से उस लेक्चर को रिवाइज कर लें। स्टार्टिंग का थोड़ा सा 10-15 मिनट लगेगा, फिर इसकी क्लासिफिकेशन समझे, मजा आएगा। अदरवाइज सिंपल क्या करना है, हमें याद कर लेना है हाई सीलिंग, मीडियम एफिशिएंसी और वीक, तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देना है। हाई सीलिंग, अभी सीलिंग का मतलब क्या होता है सब कुछ वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, सीलिंग क्यों कहा गया है। ठीक है, देन मीडियम एंड वीक, या हम इसे कह सकते हैं स्ट्रांग, मीडियम और वीक, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है ना, डायूरेटिक क्या होता है सबको पता है ना, जो हमको हमारी यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है, या फिर यूं कह लो कि हमारी बॉडी से यूरिन ज्यादा मात्रा में बाहर निकलवाने में हेल्प करते हैं। यूरिन बाहर निकलती है तो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है बॉडी में जहां कहीं पे भी, वो क्या होता है बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो डायूरेटिक और उसी का दूसरा नाम क्या है, नेट्रियोरेटिक्स आर ड्रग्स विच कॉज अ नेट लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर। साइंटिफिक भाषा में बात करें एक्चुअली तो क्या हो रहा है, जो पानी बाहर निकल रहा है, यूरिन बाहर निकल रही है, उसमें पानी तो बाहर निकल ही रहा है, साथ साथ में सोडियम प्लस भी बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से हमारा बीपी भी कम हो जाता है ना, ब्लड प्रेशर भी लो कर जाता है। ठीक है, इन यूरिन हाउएवर, हालांकि व्हेन अ डायूरेटिक इज गिवन रेगुलरली सोडियम प्लस बैलेंस इज सून, अगर हम इसको लगातार दे रहे हैं तो सोडियम ऑब्वियसली बात है, सोडियम अगर बॉडी से बाहर निकलेगा तो कमी होगी बॉडी में, तो हमारी बॉडी उसको बहुत जल्दी क्या कर लेती है, रिस्टोर कर लेती है, खुद से ही बैलेंस करेगी, कंपनसेटरी होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म स्टार्ट कर देती है। तो खैर देखा जाए इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, डायूरेटिक की डेफिनेशन यहां से लेके यहां तक ही है केवल, लेकिन ये चीज समझाई गई है यहां पे एक्स्ट्रा में कि सोडियम का जो बैलेंस बिगड़ता है, अगर दिमाग के बच्चों का आता है कि सोडियम निकल गया अब एक्स्ट्रा सोडियम खाना पड़ेगा क्या, नहीं, हमारी बॉडी होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म वो उसको वापस से मेंटेन करती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन जैसे मैंने बताया कि क्लासिफिकेशन में कुछ नहीं है, हम यहाँ पे हाई सीलिंग नहीं समझ में आता तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग डाल लेंगे, क्या डाल लेंगे स्ट्रॉन्ग, ये मीडियम और ये वीक, और स्ट्रॉन्ग के अंदर कौन कौन से ड्रग है अपने, फिरोसमाइड है, इंपॉर्टेंट है, याद करना है, और मैं हमेशा बताता हूँ जो ड्रग्स तुम्हारे फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मेंशन है उनको पक्के से कोशिश करेंगे, उनकी डोज वगैरह याद रख लेंगे। ठीक है, सॉरी, मीडियम में दो कैटेगरी आती है, बेंजो थाया डाई एजाइंस, अब समझ में आता होगा डाई एजाइंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर केमिकल के बेसिस के आधार पर, और ये थायजाइड लाइक हो गए, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, तो जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है कहीं ना कहीं क्या करते हैं उसको इनहिबिट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, जिससे कि यूरिन ज्यादा से ज्यादा पास हो जाए। ऑस्मोटिक डायूरेटिक, ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस ला करके सोडियम इधर खींचेंगे, पीछे पीछे पानी आएगा और बहुत ज्यादा यूरिन बाहर निकलेगा। इसी में हमारे पास क्या आते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स आते हैं। ठीक है, जिसके अंदर एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट और रीनल एपिथेलियल सोडियम, रीनल जो एपिथेलियल, जो एपि सबसे ऊपर की जो कवरिंग होती है, वहां पे सोडियम चैनल्स होते हैं, उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि सोडियम वापस से ट्यूब के अंदर नहीं घुसता है। अब ये जो मैं बातें कर रहा हूं, ट्यूब के अंदर नहीं घुसता है, रीनल, बहुत सारी बातें इसके अंदर हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आ रही हो, तो फिर कहूंगा बेटा, क्योंकि ये बहुत सारी कुछ बातें इसमें टर्म्स ऐसी हैं, तो ये वाला चैप्टर लिखा हुआ है फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग, सी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 डायूरेटिक्स में मैंने स्टार्टिंग में पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, इवन अपना जो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वहां पे मिल जाएगा, लेकिन वहां पे ज्यादा अच्छे समझा रखा है उसको पूरा डिटेल करके, जिससे कि हमारा क्लासिफिकेशन और ड्रग्स हमको समझ में आए। ठीक है ना, तो अब हम आगे आते हैं, याद है इसको, जिनकी याद करने की क्षमता है, देखो बेटा
क्योंकि जिन लोगों का मोटिव सिर्फ पास होना है और वो याद करने की क्षमता बहुत अच्छी है, सीधा याद कर डालें, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्ट्रांग, मीडियम, वीक, इसी में इसको दो कैटेगरी में तोड़ो ही नहीं, सीधा इसके अंदर हमेशा बताता हूँ एक ही कैटेगरी रखो। ठीक है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड काफी इंपॉर्टेंट है अपना इसके अंदर। देन यहां पर आ जाएंगे तो हमारे पास क्लोरथेलिडोन, क्लोपामाइड, ठीक है, जीपामाइड, ये कुछ ड्रग्स है इंपॉर्टेंट इन द सेंस यूज में रहते हैं। ठीक है, फिर इसमें एक ही है तो इसमें वीक के अंदर मत तोड़ो इतने सारे, डायरेक्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ड्रग याद कर डालो वीक के अंदर। इसके वीक के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन मत करो इजी बनाने के लिए, और जो पूरा याद कर सकते हैं वो फर्दर क्लासिफिकेशन कर ले। ठीक है, डिपेंड करेगा। ओके, नाउ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो हम लोग फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख ले तो अल्टीमेटली यहां पे फार्माकोलॉजी क्या है कि बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में वैसा इफेक्ट नहीं है, अल्टीमेटली सारा इफेक्ट घुमा फिरा के कहां आएगा, किडनी के ऊपर आएगा, जिससे कि किडनी के कुछ फंक्शंस रोके जाएंगे, कुछ बढ़ाए जाएंगे, जिससे कि यूरिन ज्यादा से ज्यादा, सोडियम ज्यादा से ज्यादा बॉडी से क्या हो जाए, पास हो जाए। तो देखो क्या कह रहा है, हाई सीलिंग डायूरेटिक डिक्रीज द सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम रीएब्जॉर्प्शन। जो अगर उसका फंक्शन याद हो तो रीअब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है वहां पर सोडियम क्लोराइड पोटेशियम को रीअब्जॉर्प्शन बंद कर देते हैं ये फ्रॉम द ट्यूब्यूल। अब जब इनका रीअब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा तो ये यूरिन से बाहर निकलते चले जाएंगे, ट्यूब के अंदर ही रहेंगे और पीछे पीछे इनके पानी भी आ जाएगा, है ना, जिधर जिधर सोडियम उधर पीछे पीछे पानी आएगा और ज्यादा से ज्यादा यूरिन बाहर निकलेगी। बेंजोथायाडाइअज़ीन एक्ट एज अ थायजाइड डायूरेटिक्स एंड एंटी हाइपरटेंसिव। ठीक है ना, ये थायजाइड डायूरेटिक की तरह एक्ट करते हैं और ये कैसे होते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव, ये हमारी बॉडी का बीपी को लो कर देते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ गया, थायजाइड एंड थायजाइड लाइक, ठीक है, थायजाइड यहां पर आ गया, डायूरेटिक एक्ट ऑन द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कौन सा हो गया, जो हमारे किडनी के मेन सेल्स होते हैं, मेनली एट प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द डिस्टल ट्यूब्यूल। अब देखो डिस्टल ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल पार्ट, अगर पूरा स्ट्रक्चर याद है तो ये पार्ट चीजें फटाफट समझ में आएंगी, वरना दिक्कत करेंगी। ठीक है, तो सेकंड ईयर में है, मान के चल रहा हूं मैं कि प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा होगा तुम्हें याद होगा, कि यहां फिर से वापस से पूरा डायग्राम बना करके समझाने में बहुत टाइम लगेगा, आप पीछे जाएं उसको पढ़ें। ठीक है, तो उसका नेफ्रॉन का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है उसमें डिस्टल ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, वहां पर ये एक्ट कर रहे हैं। सोडियम एक्सक्रीशन एंड यूरिन वॉल्यूम आर इंक्रीज, सोडियम ज्यादा ज्यादा मात्रा में निकलता है और यूरिन का एक्सक्रीशन, जो यूरिन का वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है बाय इंटरफेरेंस विद ट्रांसफर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो रहती है वहां पे डिस्टल ट्यूब्यूल के, उसके अक्रॉस जो उनका ट्रांसफर होता है वह इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, दखलंदाजी दी जाती है और सोडियम, या सीधा लिख सकते हो थायराइड और थायराइड लाइक में सोडियम एक्सक्रीशन एंड यूरिन वॉल्यूम्स आर इंक्रीज्ड। ये आ गया इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कहीं ना कहीं यहां पर मोड ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम से मिलने वाले हैं। द रिजल्ट इज रिडक्शन इन ब्लड वॉल्यूम। अब इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा यूरिन पास हुई तो ब्लड का वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। एसिटाजोलामाइड इज अ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, ठीक है, एसिटाजोलामाइड क्या होते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर होते हैं। दैट मींस दिस ड्रग वर्क्स टू कॉज एन एक्युमुलेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड बाय प्रिवेंटिंग इट्स ब्रेकडाउन। अब इनहिबिटर है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो कार्बोनिक एसिड को टूटने नहीं देगा तो वो इकट्ठा होने लगेगा, जिससे क्या है यूरिन ज्यादा ज्यादा अपना पास आउट होगी। ऑस्मोटिक डायूरेटिक, ऑस्मोटिक मतलब वही ऑस्मोसिस वाली प्रोसेस रहती है, प्राइमरीली इनहिबिट वाटर रीअब्जॉर्प्शन, क्या कर रहा है मेन तौर पे वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब प्रॉक्सिमल वाला बात याद रहे ना रहे ये पक्का याद रखना है, ये इसका फार्माकोलॉजी होगी, इसका मोड ऑफ एक्शन हो गया। एंड द थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, अब लूप ऑफ हेनली पता होना चाहिए क्या होता, तो ये बातें फटाफट समझ में आएंगी, अदरवाइज दिक्कत देंगे। ठीक है, एंड कलेक्टिंग डक रीजन ऑफ द किडनी डेट आर हाईली परमेबल टू वाटर, ठीक है, इन जगहों पर वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को रोक देता है जो कि हाईली परमेबल टू वाटर होते हैं, यानी कि यहां से वाटर के निकलने की संभावना ज्यादा होती तो उसको रोक देगा ये, फिर ये यूरिन से ही बाहर निकलेगा, वापस से बॉडी में रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक एक्ट टू प्रिवेंट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, मेन चीज याद रख लेंगे, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को रोक देता है इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बाय आइदर बाइंडिंग ईएनए, है ना, एपिथेलियल सोडियम चैनल, एपिथेलियल जो सबसे ऊपर सरफेस पे एपिथेलियल पे सोडियम के चैनल होते हैं ना, उनको क्या करते हैं ये ब्लॉक कर देते हैं, और बाय इनहिबिटिंग एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर, इसके अंदर स्पिरोनोलैक्टोन और एप्लीरिनोन आते हैं। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए
इनका जो मेन काम क्या है, सोडियम को ब्लॉक कर रहे हैं, बाहर निकलने से रोक रहे हैं, तो ट्यूब के अंदर ही रह रहा है, उसके पीछे पीछे पानी आएगा और ज्यादा से ज्यादा यूरिन हमारी क्या होगी, पास आउट होगी। किन किन जगहों पर सोडियम निकलने की संभावनाएं रहती हैं और कौन कौन से ड्रग कहां कहां काम करेंगे, अगर पूरा नेफ्रॉन का वो पार्ट याद होगा तो इसको फार्माकोलॉजी इसकी बहुत आसान लगेगी, अदरवाइज इसकी फार्माकोलॉजी बहुत टफ लगेगी और रटने जैसी हो जाएगी। तो मैं यही कहूंगा तुम लोगों से एक बार ही डायरेटिक वाला चैप्टर का जो स्टार्टिंग में मैंने यूरिन की फिजियोलॉजी समझा रखी है उसको अच्छे से एक बार देख लें, ठीक है। इवन वहां पर जो हमने क्लासिफिकेशन करी ना, ये क्लासिफिकेशन की जगह पर वाली क्लासिफिकेशन भी लिख सकते हो, चलेगा। आगे आते हैं, डोज हमेशा की तरह फिरोसमाइड है ना, यूज 20-80 mg वंस डेली इन द मॉर्निंग, हो गया खत्म, आगे लिखो चाहे मत लिखो। तो बिमेटानाइड 1-5 mg ओरल ओडी डोज खत्म, ठीक है, इन द मॉर्निंग। मतलब कितनी डोज देनी है, दिन में कितनी बार, इतनी याद रखोगे सफिशियंट है, इससे ज्यादा हमें याद रखने की जरूरत नहीं। बाद बाकी अपने मन से, क्लोपामाइड है अपने पास, स्पाइनोलेक्टोन है, इंपॉर्टेंट है, आइसोसोर्बिट और ग्लिसरॉल, ये शायद हमारा पिछले साल भी था, तो हाइड्रोक्लोरथायजाइड, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लोगे डोज। और मैंने क्या बताया था, हम पिछली बार इधर रिवाइज करा दूं मैं, कोशिश क्या करोगे, जैसे हाई सीलिंग है यहीं पर ही इसका क्या लिखोगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, और यहीं पर साथ साथ में इसकी डोज लिखते चलोगे। तो क्लासिफिकेशन में ही हमारा सब कुछ कवर होना चाहिए जिससे कि हमारा रिविजन बहुत अच्छे से हो सके। क्लियर है बातें, फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गया, देन इंडिकेशन डोज हो गई, उसके बाद इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो इंडिकेशन में जहां जब जब बॉडी में कहीं सूजन आएगी तो या फ्लूइड बढ़ेगा, बॉडी में कहीं फ्लूइड इकट्ठा होता तो उसे हम कहते हैं इडीमा, है ना। तो इडीमा की बात कर ले, नॉर्मल इडीमा है, एक्यूट पल्मोनरी लंग्स का इडीमा हो गया, सेरेब्रल दिमाग का इडीमा हो गया, हाइपरटेंशन में इस्तेमाल हो रहा है, डायबिटीज इंसिपिडस में इस्तेमाल हो रहा है, ग्लॉकोमा है, एपिलेप्सी है, ठीक है ना। कॉन्ट्रा इंडिकेशन हाइपरसेंसिटिविटी, अगर दवा रिएक्ट करती है, एन्यूरिया, किडनी पेशाब टॉयलेट को बनाई नहीं रही है, मतलब यूरिन बन ही नहीं रहा है, रीनल डीकम्पनसेशन, अगेन वही बात है, अगर किडनी सही से काम नहीं कर पा रही है, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन वही सिंपल है, अपने रोज वाले इंडिकेशन का ध्यान रखेंगे जब हमें बॉडी से यूरिन पानी को बाहर निकालना है, तो उन जगहों पर हम लोग डायुरेटिक का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है बातें, तो ये अपना छोटू सा लेक्चर फिनिश हो गया, ठीक है। तरीका बेटा ध्यान रखो, अब मैंने बताया 9th चैप्टर है, ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद चैप्टर थोड़े से अलग अलग आएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक पढ़ने का तरीका सेम था, ठीक है। अब जो चैप्टर आएंगे इसके बाद वो थोड़े से चैप्टर अलग होंगे, यानी कि 10th चैप्टर नंबर 10, 11, 12, ठीक है, आई थिंक 12 या 13 में भी है, थोड़ा सा सेम सेम पार्ट आएगा बाद बाकी, ठीक है ना। अभी बेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, बेटा देखो कुछ बच्चों को ना अभी भी दिक्कत है कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कि नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। मैं इसके ऊपर एक सोच रहा हूँ अलग से एक बना दूंगा 2-3 मिनट का वीडियो, कि डिस्क्रिप्शन से क्या मतलब है। बहुत से बच्चों को अभी भी दिक्कत है कि डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगा हमें, नोट्स कहाँ मिलेंगे, ठीक है ना। तो कोई डाउट होता है तब भी पूछ लो भाई, यहां से मेरे को फोन करके पूछ लो, मैं तब भी बता दूंगा अपना बाद बाकी। ये ऐप है, ठीक है ना, प्रैक्टिस करने के लिए। और सबसे ज्यादा जरूरी जो करना है, रिवीजन करना है, ठीक है ना। क्या करना है, रिवीजन करना है, ओके। तो रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।